बहुत ही लोक महत्व के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदया, आज इस समय पूरे देश भर में हजारों लाखों ही नहीं करोड़ों दबे कुचले सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं। छोटे मोटे पिछड़े गरीब समाज जैसे अहीर, गुजर, दांगी, सोंधिया, धाकर, लोधी, किरार, कुमार, राठौर, पटेल, पाटीदार, कुर्मी, पंवार, दर्दी, नाई, कई जातियां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के आशान्वित खड़े हैं। देश की 52% से ज्यादा आबादी के पिछड़े वर्ग के लोग पहली बार संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार के प्रयास को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद पिछड़े वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, उससे गरीब, मजदूर, किसान जो खोमचे, ठेला, पान, चाय आदि गरीबी एवं अशिक्षा में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसी देश की आधी से ज्यादा आबादी के जीवन में उत्साह और खुशहाली की चमक आएगी। संविधान के 123वां संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, सिविल न्यायालय के अधिकार और पिछड़े वर्ग की समस्या सुनने का अधिकार दिया जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह एक स्थायी आयोग है। हमें यह देखने में आया है कि कई संस्थानों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के द्वारा जो 27% आरक्षण लागू है, उन्हें उसका भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा था। आयोग गठित होने के बाद इसके हस्तक्षेप से जो कार्रवाई होगी, उससे उसमें भी सुधार आएगा। इस विधेयक के द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जी धन्यवाद। केंद्रीय सूची में पिछड़ी जाति के रूप में नागरिकों को किसी वर्ग को सम्मिलित करने और वर्तमान सूची में जो है उसको बाहर करने की प्रक्रिया में पहली बार संसद की भूमिका को रखा गया है। संसद में निर्णायक भूमिका रखने का यह काम अत्यंत साहसिक है। इसके द्वारा आरक्षण में सम्मिलित विभिन्न वर्ग इससे प्राप्त लाभों पर सजीव चर्चा संभव हो चुकेगी। वर्तमान में आरक्षण का लाभ उचित वर्ग वंचित के लोग मोहम्मद बशीर नहीं ले पाते। आरक्षण वर्ग की अति पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को सही न्याय मिलेगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, जल्दी शक्ति के रूप में देखो सवेरा है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। और इसी के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। बशीर मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर।